वाघा बॉर्डर से सीधा हम लोग आ गए थे गोल्डन टेम्पल, क्योंकि रात का समय हमको गोल्डन टेम्पल देखना था और कल सुबह भी गोल्डन टेम्पल आएंगे तो एक बार रात का भी देख लेते हैं। तो भाई को मंत्राया हुआ कड़ा पहनना था तो वो कड़ा ले रहा है, तो शॉप नंबर 18 है, आपको दिखाता हूँ मैं कैसी है और क्या कड़े ले रहा है वो। ये वाला कड़ा पसंद आया तो इसने ले लिया, बढ़िया अच्छी शॉप थी। तो भाई यहाँ से मंदिर निकल के बाहर पूरा मार्केट है, तो यहाँ पे आप भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें लाइक कड़ों से लेके कुर्तियों से लेके और शॉल से लेके सब कुछ यहाँ पे ले सकते हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मार्केट। तो गाइस फाइनली गोल्डन टेंपल के द्वार पे पहुँच गए हैं और अब अंदर जूते रखने साइड में जाना है, वहाँ जाएंगे और फिर वहाँ से गोल्डन टेंपल के अंदर जाएंगे। चलिए मंदिर की एंट्री लेके आप इधर जाएंगे ना तो हैंड वॉश करना रहता है। हैंड वॉश में इतनी ठंड में गर्म पानी, मतलब मंदिर की सुविधा देखो, सबके लिए गर्म पानी से हाथ धुलाए गए हैं भाई साहब। मंदिर के द्वार पे पहुंचते ही जो दृश्य हमको दिखा उसको देखते ही मतलब इतना सुकून मिला कि हम कुछ बोल ही नहीं पाए। और ऐसा दृश्य मतलब बहुत कम देखने को मिलता है जो आपको मंत्रमुग्ध करते हैं। तो सबसे पहले हमने मंदिर के दर्शन करे और बहुत ही अच्छे दर्शन हुए, बट कैमरा अलाउड नहीं था तो हमने कुछ रिकॉर्ड नहीं करा। और हर कोने से मंदिर इतना सुंदर लग रहा था ना, मतलब इतना शांति का एहसास शायद हमें कभी कहीं नहीं हुआ। वाहेगुरु जी का प्रसाद। तो मैं आप सभी को कुछ फैक्ट्स बताना चाहूँगा गोल्डन टेम्पल के बारे में। तो शुरुआत करते हैं, जब लॉर्ड बुद्धा हुआ करते थे तो ऐसा कहा जाता है कि लॉर्ड बुद्धा इस स्पॉट पे प्रे और मेडिटेट किए थे, और जब उन्होंने यहाँ पे कुछ समय बिताया था तो इन्होंने कहा था कि ये जगह बहुत ही ज़्यादा सेंट्स और साधुस के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि वो लोग यहाँ पे प्रे और मेडिटेट करेंगे। और जब लॉर्ड बुद्धा ने यहाँ पे मेडिटेट किया था तब यहाँ पे एक बहुत बड़ा लेक था और आसपास सिर्फ फॉरेस्ट था। तो जो फर्स्ट सिख गुरु थे गुरु नानक जी, वो इसी स्पॉट पर प्रे और मेडिटेट करते थे, बट तब ये मंदिर बना नहीं था। जो फिफ्थ सिख गुरु थे जिनका नाम था सिख अर्जुन, उन्होंने यहाँ पे इस मंदिर का निर्माण किया था। 15th century में इसका निर्माण किया गया था और इसको 8 साल लगे थे बनाने में। गोल्डन टेंपल की 4 एंट्रीज हैं विच शोज ओपननेस टू ऑल रिलीजन्स। हमारे द्वार आपके लिए हमेशा ओपन है, आप किसी भी रिलीजन किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, गोल्डन टेम्पल इज देयर फॉर यू। सो आफ्टर द डेथ ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी, इस्लामिक रूलर्स ने बहुत बार इन्वेड किया इस होली प्लेस को और 1762 में इस प्लेस को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, लाइक गन पाउडर एट द ग्राउंड लेवल। उसके बाद राजा रंजीत सिंह जी ने इस टेम्पल को वापस बनाया और इस टेम्पल को ऐसा बनाया कि पूरे मार्बल से इसका कंस्ट्रक्शन किया और ऊपर से गोल्ड का एनग्रेविंग किया। और जो टॉप पे आप देख रहे हो, जो टॉप पे गुंबद है इस गोल्डन टेम्पल का, दैट इज प्योर गोल्ड। पूरा गुंबद प्योर गोल्ड से बनाया गया है। अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट कि जो गोल्डन टेम्पल है वो बिलो द ग्राउंड लेवल है, थोड़ा सा ग्राउंड लेवल से नीचे बनाया गया है। तो आप देख सकते हो जो भी लोग गोल्डन टेम्पल की ओर जा रहे हैं वो लिटिल बिट डिक्लाइन एंगल पे गोल्डन टेम्पल में एंटर कर रहे हैं। इसको क्यों ऐसा बनाया गया है? बिकॉज इट शोज हम्बलनेस, हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए और अपनी ज़मीन से जुड़े हुए रहना चाहिए। अनदर मॉर्निंग अनदर डे एट अमृतसर, गोइंग टू गोल्डन टेम्पल एट द मॉर्निंग व्यू एंड विल शो यू हाउ ब्यूटीफुल इट इज। So let's go and join us in this beautiful journey. ये है महाराजा रंजीत सिंह जी, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, जिन्होंने गोल्डन टेम्पल का निर्माण किया था। He was a great warrior. सुबह का मार्केट, पूरा सुबह का मार्केट है ये। ये भाई ने रात को भी कड़ा लिया था और भाई सुबह भी कड़ा ले रहा है, आपको हर चीज वापस रिलीव करा रहा है, सुबह क्या कैसे सब कुछ होता है। डन करें इसको? हाँ डन कर दे इसको यार, सही में बढ़िया है, तेरी पर्सनालिटी पे भी सूट कर रहा है। दोनों भाइयों ने वापस खालसा भी पहन लिया है
और अब एंट्री ले रहे हैं गोल्डन टेम्पल के लिए। नहीं सुबह सब लोग अमृत सरोवर में स्नान लेके गोल्डन टेम्पल के लिए जा रहे हैं। गोल्डन टेम्पल के इस साइड से लंगर हॉल है, यहाँ से आप जा सकते हैं भोजन लेने। तो गाइस इसी के साथ हमारा सफ़र आखिरी सांस ले रहा है जब हम अमृतसर से अजमेर की ट्रेन में बैठ रहे हैं। ऑक्सीजन मास्क लगा दे और एक और ट्रिप अभी कर दे। हाँ यार ऑक्सीजन मास्क लगा के एक और ट्रिप की सांसें दे दे यार, इतना मज़ा आया। अब अजमेर से वापस उदयपुर के लिए जाएंगे, पहले तो ये एक दिन का सफ़र इस ट्रेन का, इसको इंजॉय करते हैं। आई होप आपको भी ये ट्रिप पसंद आई, नहीं आई तो कोई बात नहीं, मुझे आई, ठीक है। चलो बाय बाय। तो भाई अब हम वहां जा रहे हैं जहां हमारी फेवरेट मूवी जब वी मेट की शूटिंग हुई थी। अच्छा, भटिंडा यहीं पे मिलेगी, यहीं पे मिलेगी गीत हमको, और देखते हैं गीत तो नहीं बट शायद पेटी की पेटी पेटी पेट की भूख मिट जाएगी। तो भाई ये रही हमारी ट्रेन, ये रही हमारी बोगी, और यहीं हमको देखो भगवान ने जैसे भेजा हो ना खाने के लिए, यहीं छोले कुलचे दे दिए भाई बटिंडा में। ओह माय गॉड, वहाँ नहीं मिले यहाँ खा लिए छोले कुलचे। तो भाई पूरे सफर में सोने के बाद कुछ बना नहीं पाए ज्यादा क्योंकि इतने थक गए थे पूरे ट्रिप के कि सोते ही रह गए। हम उतर गए अजमेर, अब यहाँ से टिकट लेते हैं चित्तौड़गढ़ या उदयपुर का। भाई आपकी कैसी नींद रही? पूरी ट्रिप अच्छी जा रही थी, हाँ, एंड में आके गोलू आया। गोलू आया, गोलू की माँ आई, गोलू का बाप आया, गोलू की जो बहन आई। वही सोच में डाल दिया आगे कि बच्चे कभी अच्छे हैं कि नहीं। चित्तौड़गढ़ टू उदयपुर रोडवेज राजस्थान। तो भाई रोडवेज की बस में राजस्थान की 3 घंटे सफर करके भिन्न भिन्न लोगों को सूंघ के जो गिन के सूंघा है जो मैंने और इसने जो सूंघा है। ओ माय गॉड। तो भाई यहाँ पे इसी मोमेंट पे ट्रिप फुल स्टॉप। मज़ा आया, कैसा रहा? बहुत अच्छा, बढ़िया रहा। अब देखो आप भर भर के ब्लॉग आएंगे, भर भर के, अभी तक तो देख ली होंगी आखिरी ब्लॉग है बट हाँ। तो इसी के साथ उदयपुर की ठंडी हवा में सांस लेते हुए इसको ख़त्म करते हैं। स्टे कूल स्टे स्मार्ट बी गजब टीवी एंड लेट्स गो। मैं क्रिकेट देखना छोड़ चुका हूँ बट ये आरसीबी मुझे पसंद आया।